योगी के खिलाफ अखिलेश का अनसंकल्प। जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अनसंकल्प है। सपा दफ्तर में गूंजा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ने किसान नेताओं और समर्थकों के साथ कुछ इस तरह अनसंकल्प लिया। यह अनसंकल्प योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए है। ये जय जवान और जय किसान का नारा बीजेपी के खिलाफ किसानों के दिल में बसे गुस्से को वोटों में तब्दील करने के लिए है और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंतर्गत वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो तीन कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। अखिलेश ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और शहीद किसानों को मुआवजा देने की बात भी दोहराई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जय जवान जय किसान। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। अखिलेश ने यह अनसंकल्प भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान के बाद दिया है। नरेश टिकैत का सपा और राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन देने का बयान सामने आने के बाद गठबंधन ने खुशी जताई थी। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही किसान नेता नरेश टिकैत अपने बयान से पलट गए। यूपी चुनाव में उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन न देने की बात कही है, लेकिन राजनीति में सब कुछ साफ साफ नहीं कहा जाता, कुछ बातें इशारों में ही होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।